खबर शामिल करते हैं शदादपुर से, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में 2 माह से तनख्वाहों के अदम अदायगी के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से ओपीडी का बाइकाट करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि साबिक डायरेक्टर हटाए जाने के बाद वजारत सेहत से जल्द नए 20 ग्रेड के डायरेक्टर की तैनाती और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है, ताकि पैरामेडिकल स्टाफ के घरों में जारी फाका कशी खत्म हो सके। यहाँ 20 ग्रेड का डायरेक्टर तैनात किया जाए, तो अस्पताल बिना डायरेक्टर के चल रही है। इसके अलावा हमारे मुलाजिम के जो अपने तनख्वाह का मसला है, हर 2-3 महीने के बाद मिलती है, मुलाजिम बहुत परेशान होते हैं। इसके अलावा हमारा बायलास इंस्टीट्यूट जब से बना हुआ है, अभी तक बायलास का जो मसला है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जो भी डायरेक्टर आता है वो अपना टाइम गुजार के चला जाता है, हमारे मुलाजिमों के लिए कुछ भी नहीं करते। वो बायलास का मसला है वो हल किया जाए, बजट का मसला इशू होता है जिसकी वजह से मरीजों को दवाई में मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये हमारा जो हुकूमत से वजीर तालीम सेहत वजीर आला और जो भी है आला हुकाम उनसे हम गुजारिश करते हैं, बड़ा मेहरबानी अस्पताल रहम खाएँ, उनके मुलाजिम को रहम खाएँ, तनख्वाह दी जाए, मेहरबानी। जबकि दूसरी जानिब इलाज के घर से आए मरीज भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर मुलाजमीन के जायज़ मसाइल हल करके सेहत की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है।